साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी पहलवान देने वाले कोच को यूएसए से बुलावा। देश की खातिर नकारा साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, पूजा ढांडा समेत कई बड़ी पहलवान देश को देने वाले कोच कुलदीप मलिक को यूएसए से बुलावा आया है, जो उन्होंने नकार दिया। यूएसए रेसलिंग फेडरेशन ने कोच कुलदीप मलिक को ईमेल भेजने के साथ ही संपर्क किया है कि वे दिसंबर में उनके यहां आकर महिला पहलवानों को प्रैक्टिस कराएं। भारतीय महिला पहलवानों के बेहतर प्रदर्शन व उनकी मैट पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को देखते हुए यूएसए फेडरेशन कुलदीप मलिक से अपनी महिला पहलवानों को कोचिंग दिलाना चाहता है। कुलदीप मलिक को एक सप्ताह पहले यूएसए फेडरेशन ने बुलावा भेजा था, जिसके बाद कई बार वे संपर्क भी कर चुके हैं, लेकिन कुलदीप मलिक ने यूएसए फेडरेशन को यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि वह केवल अपने देश के लिए पहलवान तैयार करेंगे। भारतीय महिला पहलवान पिछले कुछ साल से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और देश को हर बड़ी चैंपियनशिप में मेडल दिला रही हैं। इसके साथ ही कई इतिहास भी इन महिला पहलवानों ने रच दिए हैं, जिनमें साक्षी मलिक का ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल तो एशियन चैंपियनशिप 2018 में नवजोत कौर का गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 4 साल में पूजा ढांडा का ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इनके अलावा भारतीय महिला पहलवानों ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2017 में 20 मेडल जीते थे, जो एक रिकॉर्ड बन गया। इसके साथ ही महिला पहलवानों ने एशियन चैंपियनशिप 2017 में 3 सिल्वर व 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, एशियन चैंपियनशिप 2018 में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर व 1 ब्रॉन्ज जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल तो एशियन गेम्स में 1 गोल्ड व 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय महिला पहलवानों ने पिछले 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को मेडल ही मेडल दिलाए हैं। इसको देखते हुए ही यूएसए रेसलिंग फेडरेशन के अधिकारियों के साथ ही चीफ कोच टेरी स्टेनर की ओर से महिला कुश्ती के चीफ कोच कुलदीप मलिक को बुलावा भेजा गया। कुलदीप मलिक से कहा गया कि वे 7 से 27 दिसंबर तक स्पेशल कैंप लगा रहे हैं और उस कैंप में उनको बुलाकर अपनी पहलवानों को कोचिंग दिलाना चाहते हैं, क्योंकि 2020 के ओलंपिक की सभी देशों ने तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए क्वालिफाई चैंपियनशिप भी शुरू होने वाली है। इस कारण ही अपने पहलवानों को हर कोई बेहतर बनाना चाहता है, इसलिए कुलदीप मलिक को अच्छी फीस तक देने के लिए कहा गया, लेकिन कुलदीप मलिक ने किसी अन्य देश के पहलवानों को कोचिंग देने से साफ इनकार कर दिया है। यूएसए रेसलिंग फेडरेशन को कुलदीप मलिक ने जवाब भेजकर वहां के पहलवानों को कोचिंग देने से साफ इनकार कर दिया है।